सिलक्यारा सुरंग हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में सुरंग में हुए हादसे की घटना की कई वजहें बताई गई हैं। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है कि शियर जोन के हिसाब से परियोजना का गलत अलाइनमेंट करना तथा हादसों की पिछली घटनाओं से सबक लिए बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी के साथ प्रोजेक्ट की रीप्रोफाइलिंग करना शामिल है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि निर्माण कंपनी को NHIDCL के नियुक्त प्राधिकारी इंजीनियर की तरफ से काम करने की पद्धति की मंजूरी नहीं मिली थी। NHIDCL के अधिकारियों और इसके इंजीनियरों की ओर से आवश्यक सुपरविजन में कमी को भी उजागर किया गया है। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों और निर्माण कंपनी के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये लोग आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल दिसंबर माह के दूसरे हफ्ते में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से 8 सदस्य उच्च स्तरीय विशेष जांच टीम सिलक्यारा पहुंची थी। 4 दिनों तक इस टीम ने सिलक्यारा में गहनता से जांच की और 15 दिसंबर को ये टीम वापस लौटी। इस टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गत शुक्रवार को सड़क परिवहन मंत्रालय को सौंप दी। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सिलक्यारा सुरंग में सेंसर और उपकरणों की कमी की ओर भी इशारा किया गया है, जो रीप्रोफाइलिंग काम के दौरान जमीनी व्यवहार को पकड़ते हैं ताकि जरूरी सावधानी बरती जा सके। शियर जोन चट्टान का संवेदनशील हिस्सा होता है, जिसमें कमजोर और पतली चट्टानें होती हैं। शियर जोन में अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों के अनुसार सुरंग परियोजना में फाइनल लाइनिंग से पहले कैविटी और किसी भी तरह की विकृति जैसी विसंगतियों की मरम्मत के लिए रीप्रोफाइलिंग की जाती है। सिलक्यारा टनल के मामले में रीप्रोफाइलिंग की जरूरत थी, क्योंकि खुदाई के तुरंत बाद यहां प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम प्रदान नहीं किया गया था। निर्माण कंपनी ने शियर जोन क्षेत्र को बिना प्रॉपर सपोर्ट के ही छोड़ दिया था और सुरंग की आगे की खुदाई शुरू कर दी थी। गौरतलब है कि बीते 12 दिसंबर को सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन हो गया, जिसके चलते 41 श्रमिक 17 दिनों तक सुरंग के अंदर ही फंसे रह गए थे।